एक नल्ले निहारी से इतनी खूबसूरत लड़की इम्प्रेस हो गई। ऐसी मजदूरी तो हम भी रोज करते हैं यार घर पे, पर हमारा तो कुछ ना होता दिखे। और जी क्या हाल चाल, कैसे हो? तो भले चंगे हो कि नहीं, और क्या चल रहा है भाई बता दो जरा जिंदगी में खास। तो शुरुआत करते हैं, स्वागत है आप सबका आज के एक नए और मज़ेदार व्लॉग में। मेरे साथ मैं हूँ जेडी। तो भाई मैं बताता हूँ, फ़िलहाल हो रहा है टाइम 3 बज गए और मौसम देख के ऐसा लग रहा होगा कि अभी सुबह या शाम का टाइम है। क्यों? अरे भाई देहरादून का मौसम और यहाँ के लोग रोमांटिक बहुत है। और भाई हर बार की तरह एक्सटर्नल माइक तो है नहीं, तो बकवास जो करूँगा मैं ऐसी चला लेना काम। सबसे पहले तो यार एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसे भी क्या नाराज़गी हो गई हमसे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल हैं, ऐसी क्या नाराज़गी हो गई ज़रा बता दो। टारगेट है मेरा 1000 सब्सक्राइबर करने का जल्द से जल्द। 1000 सब्सक्राइबर से हम थोड़े से ही दूर है, बस खाली 700 सब्सक्राइबर और चाहिए, बस फिर 1000 पूरे हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके उतना मज़ा है, तो कम से कम 50-60 साल में तो हो ही जाएंगे है ना, इसी स्पीड से अगर हम चलते रहे तो। अपने भानु प्रताप सिंह जी अपना जो है वो जहरीली खीर वाला ग्लास लेके खीर की चुस्की लेने लगे और ठीक 1 सेकंड के बाद सारा का सारा पान पराग मुँह से बाहर। पान पराग नहीं, क्या था वो, जुबा केसरी, हाँ सारा का सारा जुबा केसरी मुँह से बाहर। और उसमें अपने हीरा ठाकुर साहब, उनके तो क्या ही जलवे हैं भाई, बचपन में जितने टेढ़े थे बड़े हो गए उतने सीधे हो गए। तो हीरा भैया बचपन में इतनी शरारत है, दूसरी तीसरी क्लास में थे वो शायद, या पता नहीं कौन जो भी क्लास में रहे होंगे भाई, जिस उम्र में हमारे दोनों गाल मार खा खा के लाल हुए रहते थे उस उम्र में वो टीचर से पंगा लेके भग लिया बताओ, वो भी छोकरी भगा के। ये तो छोड़ो, इससे भी बड़ी बात क्या है, एक नल्ले निहारी से इतनी खूबसूरत लड़की इम्प्रेस हो गई, पता नहीं क्या देख लिया उसमें। ऐसी मजदूरी तो हम भी रोज करते हैं यार घर पे, पर हमारा तो कुछ ना होता दिखे। ऐसे रोमांटिक मौसम में तो एक रोमांटिक सा गाना याद आ गया, गाना तो याद नहीं आया, गाने का म्यूज़िक याद आ गया पर लिरिक्स याद नहीं आ रहा। होता ना कभी कभी हम कुछ चीज़, कोई गाना हमें अचानक से, कोई म्यूज़िक हमें अचानक से स्ट्राइक कर जाता है, लेकिन हम फिर कोशिश करते हैं उसे याद करने की पर लिरिक्स हमें याद नहीं आती। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये राजमहल टाइप की, उधर साइड ये है अपना उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी टेक्निकल कॉलेज है सब इसी के अंडर आते हैं। इस वीडियो के बाद एक ज़बरदस्त ट्रिप की प्लानिंग पे हूँ मैं, अब जाके हल्की हल्की गर्मी लग रही है, 4-5 दिन से हम टी शर्ट में घूम रहे थे और आज सुबह से अचानक हल्की हल्की बारिश होने लग गई, ऐसी ठंड लगी कि अपनी जैकेट निकालनी पड़ी मुझे, और अब जाके हल्की हल्की धूप आ रही है। बाहर आ गया तो गिर गया, अरे इसका तो गिरा दिया, 450 का हो गया मेरे भाई, 4.74 लीटर। हाँ भाई धन्नो, खातिरदारी हो गई ना, भर गया पेट, ये देखो पूरी डंडी, अब मत कहना कि कुछ खिलाया नहीं। ये रहा अपना UIT। तो भाई साहब हम कहाँ पे थे, हम थे हीरा ठाकुर भैया पे। तो हीरा ठाकुर भैया की अगर आप बात की जाए, सबसे पहले तो भाई देखो बॉलीवुड का ये सीन मेरे को आज तक समझ नहीं आया, जैसा बाप दिखता था डिट्टो सेम टू सेम वैसे बेटा दिखता है। बहुत सी मूवी है बॉलीवुड की, मतलब जैसा बाप दिखता है वैसे बेटा दिखता है, जैसे इसी में देख लो भानु प्रताप सिंह अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन, चेहरा एकदम डिट्टो मैच। लेकिन कभी भी ये नहीं दिखाते कि जैसी मम्मी दिखती है वैसी बेटी भी दिखे, भाई ये गलत बात है भाई बॉलीवुड वालों। और ये हम पहुंच चुके हैं प्रेम नगर, जिसे देहरादून का कॉलेज हब भी कहा जाता है, क्योंकि इधर साइड है बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे। एक तो यही हो गया अपना जो मैंने अभी दिखाया था,
फिर ऊपर डॉल्फिन है, उससे आगे देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो है वो भी इधर ही है प्रेमनगर में ही। देहरादून का मौसम तो ऐसे बदलता है जैसे आज के टाइम में लोगों के चेहरे बदलते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं IMA देहरादून। झंडा हमारा लहराता हुआ कितना सुंदर लगता है, देख रहे हो पानी। अब सोच लो यहाँ पे कितनी ख़तरनाक बारिश हुई होगी, वो भी मार्च एंड में। पता नहीं यहाँ के मौसम का ऐसा क्या एटीट्यूड है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो है एंटॉर्क है इसमें हम करेंगे चार धाम यात्रा, क्या बोलते हो, कैसा है आइडिया? हमारे साथ चलने को एक ही बंदा राज़ी हो सकता है, उसका नाम है लक्ष्मण। वैसे तो मैं जा रखा हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, पर गंगोत्री यमुनोत्री नहीं गया। उत्तराखंड के चार धाम की जब स्टार्टिंग करो तो यमुनोत्री से गढ़नी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। फिलहाल तो हम पहुँच चुके हैं बल्लीवाला चौक। इस चौक का जो नाम है वो है बल्लीवाला चौक, और ये ऊपर जो है बल्लीवाला फ्लाईओवर। यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो ISBT का रास्ता है, और सीधे अगर जाओगे तो वो घंटाघर की तरफ जाता है, सहारनपुर चौक। तो हमें तो निकलना है सीधे आगे ISBT की तरफ। अभी तक मैंने बताया नहीं ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ फिलहाल भाई के रूम में। यार किसी को अगर कोई आइडिया हो GoPro में साउंड क्वालिटी बढ़िया करने के लिए कोई सस्ता सा सॉल्यूशन तो मेरे को बता सकता है। वो लेने के लिए मत बोलना जो 5-6 हज़ार का आता है कुछ अडेप्टर टाइप का, भाई इतना इतने पैसे नहीं है भाई मेरे पे। कोई और कोई सस्ता सा सॉल्यूशन हो किसी पे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, चेक करके देख लेंगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के। और गाइज ये हम पहुंच चुके हैं शिमला बाईपास। अब हम करेंगे फ्लाईओवर की चढ़ाई क्योंकि हमें जाना है फ्लाईओवर के आगे। तो गाइज हम तो पहुंचने वाले हैं अपनी जगह, अपनी डेस्टिनेशन पे। ये हम पहुंच चुके हैं फिलहाल दून बिजनेस पार्क। मेरे आगे हाथी जैसा ट्रक, पर इस ट्रक की क्या औकात हाथी के सामने। और ये रहा दून बिजनेस पार्क, और अब हम पहुंचने वाले हैं जहां मुझे जाना था। तो ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ अब कर दूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा ब्लॉग बताना ज़रूर, और इसी तरह चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ तो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी नए उत्साह उमंग, और क्या होता है शब्द याद नहीं आ रहे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी वाले। चलो कोई नहीं, जो भी है बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।